तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चट्टाने। अब इनको इंग्लिश में बोलते हैं रॉक्स। चट्टाने होती क्या है? एक या एक से अधिक ठोस पदार्थों से मिलकर बने ठोस पिंड को चट्टाने कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक या एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बने ठोस पिंड को जो क्या बोलते हैं इनको? चट्टाने। ठीक है, एक या एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बने ठोस पिंड को क्या बोलते हैं? अपन चट्टाने बोलते हैं। अब जो चट्टानों के रासायनिक तथा भौतिक गुण है, चट्टानों के भौतिक तथा रासायनिक गुण है वो किस पर डिपेंड करेंगे? उनमें पाए जाने वाले खनिज पर। तो चट्टानों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, क्योंकि ये किससे बनती? खनिज से। भौतिक तथा रासायनिक गुण उनमें पाए जाने वाले खनिज पर निर्भर करते हैं। जैसे जिस प्रकार के उसमें खनिज होंगे चट्टानों के अंदर, उसी प्रकार के उनके भौतिक तथा रासायनिक गुण हो जाएंगे करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लो अपन, लाइमस्टोन चट्टान, केल्साइट खनिज से मिलकर बनी होती है। केल्साइट खनिज से बनती है। ठीक है, तो लाइमस्टोन चट्टान किससे बनती है? केल्साइट खनिज से। अब देखो चट्टानों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो उत्पत्ति एवं संरचना के आधार पर चट्टानों को तीन भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? उत्पत्ति एवं संरचना के आधार पर चट्टानों को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, फर्स्ट आती है अवसादी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इग्नियस रॉक। उसके बाद आती है आग्नेय, इसको बोलते हैं इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टाने। सेकंड आती है अवसादी। थर्ड आती है रूपांतरित चट्टाने। कौन कौन से आ गई? एक तो आग्नेय आ गई, एक अवसादी आ गई, एक रूपांतरित चट्टाने। अब आग्नेय चट्टाने भी आगे इसके भी भाग होते हैं। अगर उत्पत्ति के आधार पर देखें, आग्नेय चट्टानों के उत्पत्ति के आधार पर ये दो भागों में पाई जाती है। एक तो होते हैं आंतरिक आग्नेय चट्टाने, सेकंड आएगी बाह्य आग्नेय चट्टाने। ठीक है, कौन कौन सी आएगी उत्पत्ति के आधार पर? आंतरिक आग्नेय चट्टाने तथा बाह्य आग्नेय चट्टाने। दूसरा जो टाइप होता है आग्नेय, वो किस पे बेस होता है? रासायनिक गुण पर। रासायनिक गुणों के आधार पर ये तीन तरह की होती है। एक तो होती अम्लीय, कैसी? अम्लीय आग्नेय चट्टाने। दूसरी आएगी सामान्य और तीसरी आएगी भास्मिक। भास्मिक या बोल दो क्षारीय, इसको क्षारीय भी बोल सकते अपने। ठीक है, तो चट्टाने तीन तरह की होती है। किसके आधार पर? उत्पत्ति एवं संरचना के आधार पर। फर्स्ट आएगी आग्नेय, सेकंड है अवसादी, थर्ड है रूपांतरित। ठीक है, तो आग्नेय चट्टाने उत्पत्ति के आधार पर दो तरह की होती है, एक तो आंतरिक आग्नेय चट्टाने और बाह्य आग्नेय चट्टाने।
रासायनिक गुणों के आधार पर आग्नेय चट्टानें तीन तरह की होती, एक तो अम्लीय, एक सामान्य, एक भास्मिक, जिसको कि क्षारीय बोलते हैं। ठीक है, इसके आगे अपन इनको डिटेल से देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट देखते अपन आग्नेय चट्टाने, फर्स्ट आग्नेय चट्टाने, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स। अब आग्नेय जो चट्टाने होती है क्या होती है, मूल चट्टाने होती है। आग्नेय चट्टाने क्या होती है, प्राथमिक चट्टाने होती है। मतलब समझो चट्टाने कैसे बनती है, देखो आग्नेय चट्टाने बनती है जब पृथ्वी के ऊपर बहुत ताप बढ़ जाता है, तो जहाँ ज्वालामुखी होते हैं। अब ताप अगर पृथ्वी की सतह पर बढ़ेगा तो ज्वालामुखी के अंदर तो वैसे ही ताप रहता है, और ज्यादा ताप बढ़ेगा तो ज्वालामुखी क्या होता है, फट जाता है। फटता है तो उसमें से लावा क्या जाता है, बाहर। अब अंदर तो ज्वालामुखी के अंदर तो गर्मी रहती है, इसलिए वो पिघला हुआ रहता है, लेकिन वो जैसे बाहर आ जाता है तो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अब जैसे वो ठंडा होकर जमता है तो क्या बन जाती है, चट्टाने। तो जो ठंडा होकर लावा जमता है उससे कौन सी चट्टाने बनती है, आग्नेय चट्टाने। और आग्नेय चट्टाने जो होती है वो प्राथमिक चट्टाने होती है, प्राथमिक या मूल चट्टाने होती है। क्यों, क्योंकि इससे जो दो अन्य चट्टाने ही बनती है, पहली अवसादी भी इनसे ही बनती है और रूपांतरित भी इनसे ही बनती है। तो आग्नेय चट्टानों को क्या कह सकते हैं अपन, प्राथमिक चट्टाने। ये कैसे बनती है, लावा से, लावा पिघल के जब बाहर आ जाता है ज्वालामुखी से फट गए तो वो ठंडा होता है, तो क्या बनती है, आग्नेय चट्टाने। इनको प्राथमिक चट्टाने भी बोलते हैं, प्राथमिक चट्टाने भी बोलते हैं। अगर इस पे देखा जाए पूरी ओवरऑल तो 95% ये पाई जाती है वर्ल्ड में, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा तीनों चट्टानों में देखी जाए तो 95% आग्नेय चट्टाने होती है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी चट्टाने पाई जाती है, 95% आग्नेय चट्टाने। इसमें देखा था अपन ने दो प्रकार तरह की उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर देखी थी अपन ने दो तरह की, एक तो देखी थी अपन ने आंतरिक आग्नेय चट्टाने, आंतरिक आग्नेय चट्टाने, आंतरिक आग्नेय चट्टाने, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंट्रूसिव और वोल्केनिक रॉक्स, वोल्केनिक रॉक्स, इंट्रूसिव एंड वोल्केनिक रॉक्स। तो देखो आंतरिक आग्नेय चट्टाने क्या होती है, जैसे मान लो ये ज्वालामुखी है, इसमें से ज्वाल वो लावा निकला फटने के बाद, बहुत सारा लावा निकल गया, लेकिन पूरा तो नहीं निकल जाएगा, नहीं, थोड़ा तो उस ज्वालामुखी के अंदर रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा जो ज्वालामुखी के अंदर रहता है, अब वो लावा क्या होगा, तेज ठंडा नहीं होगा, वो कैसे होगा, धीरे धीरे ठंडा, क्योंकि ज्वाला तो लावा तो बाहर निकल गया। अब क्या हो जाएगी, ज्वालामुखी के अंदर हीट कम हो जाएगी, हीट कम हो जाएगी, ताप कम हो जाएगा, तो वो जो अंदर का लावा वो भी धीरे धीरे जमने लगेगा। तो धीरे धीरे जमेगा तो किसके अंदर रह जाएगा, धरातल के अंदर ही, ज्वालामुखी के अंदर ही रह जाएगा। तो उससे कौन सी चट्टाने बनती है, आंतरिक आग्नेय चट्टाने। ठीक है, इसके एग्जांपल है ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट हो गया इसका एग्जांपल, और इसका क्वार्ट्ज, सीडर, ठीक है, और भी बहुत सारे, अपने लिए दो ही याद रख लो, एक तो ग्रेनाइट हो गया, एक क्वार्ट्ज हो गया। सेकंड आती है बाह्य आग्नेय चट्टाने, बाह्य आग्नेय चट्टाने, इनको बोलते हैं एक्सट्रूसिव एक्सट्रूसिव रॉक और प्लूटोनिक बोल दो इनको, प्लूटोनिक रॉक्स। अब बाह्य आग्नेय चट्टाने क्या हुई, आंतरिक आग्नेय चट्टाने तो जो अंदर ही जो लावा ठंडा हो गया और चट्टाने बन गई, अब जो लावा बाहर निकला ज्वालामुखी पे से वो क्या होगा, बाह्य आग्नेय चट्टानों में आएगा। ठीक है, अब बाह्य आग्नेय चट्टाने ज्वाला हुआ बाहर, अब वो कैसे ठंडा होगा, वो फास्ट ठंडा होगा, क्योंकि बाहर तो क्या है, ठंडा ही, ज्वालामुखी के अंदर तो हीट ज्यादा थी, अब बाहर आते ही वो ठंडा हो जाएगा, तो बाह्य मतलब ये ज्वालामुखी से बाहर जो चट्टाने बनी आग्नेय चट्टाने वो क्या होगी, बाह्य आग्नेय चट्टाने। इसका एग्जाम्पल देख लो, कैल्साइट एग्जाम्पल हो जाएगा इसका, बेसाल्ट, रायोलाइट,
क्या क्या हो गया, एग्जाम्पल बेसाल्ट और रायलाइट, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं अपन रासायनिक संगठन के आधार पर आंतरिक आग्नेय चट्टाने। रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक शॉर्ट में लिख देता हूँ, रासायनिक संगठन के आधार पर तीन तरह की देखी अपन ने, कौन कौन सी देखी, एक तो अम्लीय देखी, एक सामान्य देखी, एक भास्मिक या सारी देखी। तो फर्स्ट देख लो अम्लीय आग्नेय चट्टाने, एसिडिक इग्नियस रॉक, अम्लीय आग्नेय चट्टाने। जो अम्लीय आग्नेय चट्टाने होती है, एसिडिक इग्नियस रॉक होती है, इनमें जो सिलिका की मात्रा होती है ये एसिड क्यों होती है, अम्लीय क्यों होती है, सिलिका के कारण। इनमें क्या होती है, सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, सिलिका की मात्रा होती है इनमें 65 से 80%। 65 से 80% क्या होती है इनमें, सिलिका की मात्रा। इसका एग्जाम्पल देख लो अपन, ग्रेनाइट और सैंडस्टोन, सैंडस्टोन, ठीक है। सेकंड होगी, ये फर्स्ट होगी अम्लीय, इनमें सिलिका की मात्रा 65 से 80%। सेकंड आएगी सामान्य, सामान्य आग्नेय चट्टाने, इनमें जो सिलिका की मात्रा होगी वो 55 से 65%। सिलिका कितनी होगी इनमें, सिलिका होगी इनमें 55 से 65%, ठीक है। इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे, इनके एग्जाम्पल एंडिसाइट, एंडिसाइट और हो जाएंगे एंडिसाइट और डायोराइट, और भी एग्जाम्पल लेकिन ज्यादा याद नहीं रखना अपन को, ये ज्यादातर यही पूछता है, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। तो सामान्य आग्नेय चट्टानों के एग्जाम्पल एंडिसाइट और डायोराइट। इसके बाद थर्ड आएगी भाष्मिक या क्षारीय, इसमें सिलिका की मात्रा होगी, सिलिका को क्या लिखते हैं, SiO2, इसकी मात्रा क्या होगी 40 से 55%, ठीक है। कितनी होगी इसमें 40 से 55%। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, क्षारीय का, भाष्मिक का, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन एंड बेसाल्ट, क्या होगी इनके एग्जांपल, लाइमस्टोन एंड बेसाल्ट, ठीक है। तीनों होगी अपन ने देख लिया, अम्लीय, सामान्य, भाष्मिक। अम्लीय में तो सिलिका की मात्रा 65 से 80%, सामान्य में कितनी होगी 55 से 65%, और भाष्मिक में कितनी होगी 40 से 55%। अम्लीय का एग्जाम्पल होगा ग्रेनाइट और सैंडस्टोन, सामान्य का एग्जाम्पल होगा एंडिसाइट डायोराइट, और भाष्मिक या सारे का एग्जाम्पल होगा लाइमस्टोन और बेसाल्ट, ठीक है। ये होगी अपने, अब अपन देखेंगे इसके बाद आग्नेय चट्टानों की, आग्नेय चट्टानों की विशेषता है। कैसी चौक है, क्या देख रहा तुम, हाँ आग्नेय चट्टानों की विशेषता है, चट्टानों की विशेषता है। तो आग्नेय चट्टानों की विशेषता में सबसे पहले आएगा, आग्नेय चट्टानें परतहीन होती है, या फिर इस तरह इसमें परत नहीं होती है, परतें नहीं होती है आग्नेय चट्टानों में, या फिर क्या होती है, स्तरहीन, स्तरहीन, इसमें कोई भी स्तर नहीं होते हैं। तो आग्नेय चट्टानों में फर्स्ट क्या है, इनमें परतों का अभाव रहता है, और ये कैसी होती है, क्रिस्टल है, कैसी होती है, क्रिस्टलीय होती है। और जो इनके क्रिस्टल बनते हैं उनकी संरचना तथा गुण डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, वो कोई निश्चित नहीं होते, ये किसी होती, क्रिस्टली होती है, ठीक है। थर्ड इसकी विशेषता आएगी ये, इसमें गोल कणों का अभाव होता है, गोल कणों का अभाव होता है, अभाव यानी कमी होती है, इसमें गोल कण क्या होते हैं, कम होते हैं, लेकिन ये टूट करके गोल कण बनाती है। जब भी इनका अपक्षय होगा तो ये क्या बनाएगी, गोल कण, खुद में तो गोल कण का अभाव है, लेकिन अगर ये अपक्षय यानी टूटेगी तो क्या बनाएगी, गोल कण, तथा टूटने पर, टूटने या अपक्षय होने पर, अपक्षय होने पर
पर गोल कण बनाती है, गोल कण बनाती है, कण बनाती है, ठीक है। तथा ये क्या होती है, सघन होती है, सघन होती है, अति कठोर होती है एवं संगठित होती है। क्या क्या देखे अपन ने, इनमें कोई परत नहीं होती है, स्तरीन होती है, उसके बाद क्रिस्टलीय होती है, उसके बाद और जो क्रिस्टलों की संरचना होती है कोई सबकी अलग अलग हो सकती है, अग्नि चट्टानों में वो कोई फिक्स नहीं होती है। इसमें गोल कणों का अभाव रहता है, लेकिन ये टूट करके क्या बनाती है, गोल कण बनाती है। फोर्थ ये सघन होती है, कट्टी कठोर होती है एवं संगठित होती है। तो क्या क्या देख लिया अपन ने, चट्टानों के प्रकार देख लिए, कौन कौन से तीन होते हैं, एक तो अवसादी होता है, सॉरी एक फर्स्ट आएगा अग्नि, फिर उसके बाद आएगा अवसादी, फिर आएगा रूपांतरित। अग्नि देख लिया अपन ने, उत्पत्ति के आधार पर दो तरह की होती है, आंतरिक अग्नि चट्टान और बाह्य अग्नि चट्टान, और रासायनिक संगठन के आधार पर अग्नि चट्टानें तीन तरह की होती है, एक तो अम्लीय होती है, एक क्षारीय, एक सामान्य होती है, एक क्षारीय। अम्लीय में क्या होती है, सिलिका की मात्रा 65-80%, क्षारीय में सॉरी सामान्य में कितनी होती है, 55-65%, और क्षारीय भास्मिक जिसको भास्मिक बोलते हैं उनमें होती है 40-55%। तो ये आपको आ गया होगा समझ में, और ये देख लिया, ठीक है। थैंक यू, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।